और दोस्तों ये हम आए हैं फ्रिज चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कंप्लेंट थी कि ये कूलिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है, ठीक है। तो आपको दिखाएंगे कि इसमें जो भी मसला है वो आपको अभी दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। टेस्ट करने के लिए क्या तरीकाकार है जी, सबसे पहले जी आप इसमें पहले हम इसकी इलेक्ट्रिक टेस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक आ रही है, कंप्रेसर स्टार्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है जी। अभी जो है इसके मीटर को अटैच करेंगे इसके साथ, देखें, और चेक करेंगे कि ये क्या कर रहा है, ठीक है जी। कंप्रेसर स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिक आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। सबसे पहला हमारा टेस्ट ये होगा, ठीक है। अब हमने मीटर अपना सेट कर दिया है, ठीक है, देखें ये, अब इसको हम इलेक्ट्रिक दे देंगे। अब देखें इलेक्ट्रिक हमने दे दी है, ठीक है जी। अभी जो है इसको मैंने थर्मोस्टेट से ऑफ़ किया था, ठीक है। अभी मैं थर्मोस्टेट से इसको ऑन करूँगा और इसको देखेंगे कि क्या करता है। और दोस्तों ये कंप्रेसर इसका स्टार्ट हुआ और ये बंद हो गया, ठीक है जी। ओवरलोड से ये बंद हो चुका है, देखें जी इलेक्ट्रिक आ रही है इसमें, ठीक है जी। और कंप्रेसर जो है वो ट्रिप कर चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो कंप्रेसर है उसमें मसला है, जो ही उस पर लोड आता है तो वो जो ट्रिप हो जाता है। तो इसलिए हम इसको अब चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये चेंज कैसे करते हैं। और सबसे पहले जो है आप जितने भी पाइप्स हैं, ठीक है, उनकी सफाई कर लें ताकि बाद में जो है ना इसके लिए क्लीनिंग के लिए मुश्किल होता है। ये 1 2 3 4, ठीक है जी, इन चारों पाइपों को क्लीन कर लें ताकि फिर बाद में ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो दोस्तों ये देखें आप, ये एमली पेपर या एक माल के ज़रिए से इस दोनों को सबको क्लीन कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। तो ये जो है जब आप वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है, और बिल्कुल जल्दी वेल्डिंग होगी और अच्छा काम करेगी और लीकेज का भी कोई ख़तरा नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले जो है हमने इसको काटा, ये इसकी चार्जिंग लाइन है, ठीक है, जहाँ से गैस चार्ज की जाएगी। लेकिन इसको काट के हमने सारी गैस जो है वो डिस्चार्ज कर दी है यूनिट से, ठीक है, और इस वक्त यूनिट फ्री ऑफ गैस हो चुका है। तो अब हम इस कंप्रेसर को उतार लेंगे और आपको दिखाएंगे। तो अभी ये खोल लेंगे इसको, इसके नट्स खोल लेंगे। पूरा
प्रोटेक्टिव शीट बनाई है ताकि जो है ना जब हम वेल्डिंग करें तो ये जो जगह है वो ख़राब ना हो और हमारी वेल्डिंग भी अच्छे से आए। ठीक है जी, ये पूरी इसकी प्रोटेक्टिव शीट कर दी गई है। जी जी